अच्छा फेफड़ा मजबूत रहता है। आंवला कलेक्ट भी कर लिया भाई, देख सकते हो आप लोग कितना छोटा छोटा ये आंवला है, पता नहीं इतना छोटा साइज होता है या इससे बड़ा भी होता होगा। नहीं, ये छोटा साइज वाला ही है, छोटा साइज वाला ही है, ये छोटा साइज वाला है, बहुत ही छोटा छोटा है। इसका नाम मुरब्बा बनेगा, अचार वगैरह बन सकता है, अचार जिसी का बनता है, छोटा वाले का ही बनता है, अचार वगैरह बन सकता है या चटनी बनाने के लिए। चटनी खाइए आप लोग, ठीक है, चटनी ये सब देख सकते हैं आप लोग, लीची का पेड़ लगा हुआ है, हमें लगता है अभी ये एक बार भी फल नहीं दिया होगा कि छोटा छोटा। तो गाइज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और पीछे धूप है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे हम लोगों की परछाई बन रही है। अभी बैक कैमरा से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखते हो आप लोग कितना प्यारा यहाँ पे परछाई बन रहा है हम लोग का। यहाँ से अभी मैं हाथ बनाते हैं हम लोग और इधर, हाँ ऐसे फोटो खींच चलते चलते फैशन है गिरावट, भारी गिरावट, तो उसकी भरपाई करते हुए यहाँ ब्यूटीशियन है, हो गया अब चलो। तो गाइस आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस साइड में, सबसे कॉर्नर में, जहाँ आज तक हम लोग भी नहीं गए हैं। आखिर क्या है उधर, आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। वैसे उधर कुछ लोग देख रहे हैं बैठे हुए आराम फरमाते हुए, तो उतने दूर दूर तक आई थिंक कपल लवर लोग ही जा पाते होंगे, क्योंकि हम लोग लवर नहीं है, कपल मैरिड है। तो आप लोग को पता है मैरिड शादीशुदा लोगों का हाल क्या हो जाता है, सो चलिए देखते हैं चलिए। इनके 11 लोग, 2 आदमी उधर से ही आ रहा है लोग, शायद लड़कियां नहीं मिली होंगी इधर। ऐसा कि आपको बताए थे कि इतना दूर दूर तक कोई और नहीं जा सकता है, इधर बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लवर कपल। तो भैया बहुत ही खोज मुशक्कत के बाद मुंह लटका के आते हुए चलो उधर कुछ मिला गया मोनित, है क्या उधर कुछ? कुछ नहीं उधर, खाली है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग नहीं जाएंगे उधर जब कुछ है ही नहीं, तो क्या फायदा। चलो तुम लोग को सीएसआर फंड के तहत किए जाने वाले कुछ कार्यों का हम विवरण देते हैं। अच्छा इधर है क्या? यही है, तो अभी वो स्टार्ट हो गया, देखते हैं स्टार्ट, हमको तो लग नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो कि क्या क्या बन रहा है। अच्छा तो दोस्तों अभी आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रूबरू कराएंगे, ठीक है, और ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव। हाँ तो अब हम लोग जो अशोक पिलर देखने के बाद, अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे प्रीवियस कंस्ट्रक्शन थे, अतीत के बने हुए चीजें थे, अब हम लोग कुछ जा रहे हैं देखने के लिए। ये एक आप पीछे में देख सकते हैं, तो ये जो नया कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं यही एक चीज है जो न्यूली मेड है, और ये आपको जानकारी के लिए बता दें ये एक इंडियन ऑयल जो कंपनी है IOCL उसका CSR फंड के तहत वो की है। तो ये जो देख रहे हैं क्या है, मतलब म्यूजियम है ये, थोड़ा बहुत म्यूजियम है, और जो भी लोग आ रहे हैं दूर दराज के और जो थोड़े हाईफाई लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत रूम वगैरह की व्यवस्था है, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है कैंटीन का, और साथ ही ऑडिटोरियम का भी व्यवस्था है, मैं अभी दिखाऊंगा। हाँ जा सकते हैं, अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, तो ये एक्सक्लूसिव होगा हमारे दर्शकों के लिए, और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, आप देख रहे हैं जो डिजाइनिंग है, देखिए पत्थर को पूरा, सॉरी ईंट का पूरा जो शेप है वो दिखाया गया है रेड कलर में, और खूबसूरत नजारा, कार्ड जी भी है। तो लेकिन अब सरकारी आदमी ही चाहिए, मतलब जो भी गार्ड होना चाहिए, है तो कोई सर्व करने वाला होना चाहिए, कमी है तुम्हारे लिए, अच्छा ऑप्शन हमारे लिए सही, हम लोग के लिए सही है भाई नजदीक में।
प्लस अलग से आएगा, सिक्योरिटी आएगा, हाउस कीपिंग आएगा, आपको सुपर आएगा, ऑपरेटर आएगा, इलेक्ट्रिशियन आएगा, सभी को। बाकी ये जो चीजें लगाया है फाउंडेशन के साथ, सीएसआर के साथ, ये बहुत ही फायदेमंद होने वाली है लोगों के लिए, क्योंकि अभी जैसे हम लोग आए देखे, हमें कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव था सर, कुछ भी है हमने देख रहे हैं ऐसे डिजाइन में है, तो उसको इंटरप्रेट कर पाना और समझना क्या वो क्या है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन था। चलिए ठीक है सर जी, धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंडियन ऑयल फाउंडेशन के तहत ये बनाया गया है, जो कि इतना सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे हमारे पर्यटकों के लिए। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, यहाँ गवर्नमेंट तो चाहिए कि इस टाइप की चीज़ें जो कि एटलीस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस है करें। जैसे कि ये देख सकते हैं आप कैफेटेरिया का, ये है ये आप लोग इंटीरियर देख सकते हैं आप, और उस एरिया से आपको जो भी है आप ऑर्डर दे, इसमें आप देखिए बुद्ध भगवान का कुछ स्टैचू है और उसके रिगार्डिंग जो रिलेटेड चीजें है वो सारी है, यहाँ से आप थोड़ा सा दिखा दो ये फोटो गैलरी देख सकते हैं, एक हिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये, इधर नितिश देखिए यहाँ क्या है स्मारक पदार्थ जो चाहते हैं, मान लीजिए देखते हैं अशोक स्तंभ का ही एक मॉडल है या कुछ अलग ही टाइप से वुडन बुक का बनाया हुआ या दूसरा चीज का, और साथ ही साथ इसमें कुछ बहुत बुक्स भी मिलेंगे जो रिलेटेड होंगे इस जगह से, तो ये प्रकाशन काउंटर भी होगा इसके अंदर, ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। और दर्शक दीर्घा में आपको जैसा कि शो हो रहा है कुछ सारे पिक्चर्स हैं, कुछ क्या बोलते हैं मूर्तियां हैं आप देख सकते हैं, ये सब देखिए बहुत ही अच्छा सजाया गया है, यहाँ पे लॉक भी लगा हुआ है, ये भी शॉर्ट में शौचालय दिखा दो, अगला आदमी चला जाएगा ठीक है, बड़ा सा शौचालय है ठीक है। तो ये है अभी न्यू मेड एक ऑडिटोरियम रूम भी यहाँ विकसित किया गया है, जिसमें प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ हिस्ट्रिकल बातें बताई जाएंगी। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ देखिए, ये ऑडिटोरियम जो मैं बता रहा था, ये ऑडिटोरियम का गेट है ठीक है, प्रवेश और उधर एग्जिट का है, तो ये है प्रेक्षक भी ओके, जैसे आप लोगों को कुछ अगर विजिट किए होंगे बुद्ध स्मृति पार्क, तो वहाँ क्या है अंदर में एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है, पूरा बुद्ध का जीवन के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ भी कुछ वैसे ही होगा, ऐसा ही कुछ सेटअप है, थोड़ी जो क्या कहेंगे मैन पावर की कमी है, अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है, जैसे ही होता है क्लियर तो इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। और जानकारी के लिए बता दें कि सोनम भी यहाँ मिल गई है ठीक है, सोनम आगे का जो स्टूडेंट है वो मिसिंग है, हाँ गुप्ता जी नहीं है बट है कोई ना कोई, तो कहीं भी ध्यान देना है बिहार में का ये बिहार में का बिहार में भंगाई बा, तो ये सीढ़ी का भी साफ साफ अक्षरों में लिख दिया है, सीढ़ियों का उपयोग निषेध है ठीक है, तो हम लोग ऊपर नहीं जा सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऊपर गए थे मस्त टाइप से ठीक है मोनित, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो नहीं जाना है, आगे बढ़ो मेंटेनेंस वर्क से दिखता है, चलो ऊपर में वैसे भी क्या है छत है, छत है खुला छत है ठीक है, एक अच्छा प्रयास ईमानदार प्रयास सीएसआर के थ्रू, एक जन और एक जन था दिलीप चलिए, तो हम लोग निकला जाए, तो हम लोग यहाँ से लीव लेना चाहिए, बाकी फिर दोबारा बता रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सारा घूमने के बाद, और शायद इसके बाद जब भी आए हम लोगों को ये व्यवस्था मिले फैसिलिटी का आनंद ले सकते हैं हम लोग, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहेगा इसके लिए, हाँ इसके लिए कुछ नहीं पे करना होगा, बराबर पे करना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये व्यू देख सकते हैं आप, अभी सूर्यास्त का टाइम है और सूर्य भगवान बाय बाय कहने को तैयार, बाय बाय कह रहे हैं इधर, बहुत ही अच्छा दृश्य, बहुत बढ़िया, हालांकि थोड़ा छिप छिप के दिख रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, देखो सनलाइट कितना बढ़िया आ रहा है, नहीं हो रहा कहीं सीधा तो नहीं रखना हो घुमाने वाला डंडा का आप डंडा एक तरफ बढ़ेगा, हाँ पनीसा की जगह अच्छा
पहले टेक्निक सीखिए दिलीप जी, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, शंखनाद नहीं करने आ रहे, पहले टेक्निक सीखिए। फेफड़ा मजबूत रहता है। अब वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और हम दोनों का ब्लॉग कैसा लगता है साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और नए ब्लॉग के साथ फिर, हाँ, मिलेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग, और अभी तो निकल रहे हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे या कुछ शॉपिंग करना होगा मार्केट से। यहाँ पे लगा हुआ है बाहर में, आप लोगों को हमने दिखाया शुरू में ही एंट्री के टाइम। तो अभी तो ये था हमारा लास्ट वीडियो का फाइनल पार्ट। तो अगर जो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करके बताएँ और अपने फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर जो आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।